जाकर रोक लेंगे तो हम देख लेते हैं। तो हम उसके लगेंगे कॉफी कॉफी पाउडर, कोको पाउडर और ये बेकिंग बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा और ये मिल्क और ये कॉफी और ये दही, शुगर पाउडर और ये ऑयल और मैदा और ये बेसन। तो हमें सबसे पहले हम एक बाउल, सबसे पहले हम मिल्क में कॉफी डाल देते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। और हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब दही की जगह कंडेंस मिल्क इस्तेमाल कीजिएगा। हम इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। हम इसमें मैदा डाल देते हैं जिसे मैंने छान के रखा है। और हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करेंगे। हम अपने बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये अच्छे से बीट हो रहा है। अब हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। मोल्ड में डालेंगे और 180 डिग्री में 45
मिनट बेक कर लेंगे। जिसके पास माइक्रोवेव नहीं है वो गैस में भी बना सकता है। नीचे नमक डाल के और उनका स्टैंड लगा के आप इसे बना सकते हैं। आधे घंटे में ये बेक हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसे बेक करते हैं। देखिए हमारा जो केक है वो अच्छे से बेक हो चुका है। तो हम चेक कर लेते हैं कि ये अच्छे से बेक हो चुका है या नहीं। ये टूथपिक क्लीन निकला है, इसका मतलब है कि जो केक है उसका अंदर का जो बन चुका है इसे हम आपको ठंडा करके डिमोल्ड करके आपको दिखाते हैं। तो आइए, तो अब हम केक के लिए शुगर सिरप बना लेते हैं। तो हम इसमें लगेंगे शुगर पाउडर और हम इसमें थोड़ा सा वाटर डाल देते हैं। तो आइए ये बन चुका है शुगर सिरप, इसे हम केक में लगाएंगे। तो चलिए अब हम चॉकलेट गनाश बनाते हैं। तो मैंने यहाँ डेरी मिल्क लिया है। आप चाहे तो कंपाउंड चॉकलेट भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कंपाउंड चॉकलेट नहीं है तो आप डेरी मिल्क लीजिएगा। हम उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे। और हम इसे माइक्रोवेव में आधे मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसे डबल बॉयलर में भी बॉईल कर सकते हैं। तो देखिए हमारा चॉकलेट गनाश रेडी हो चुका है। तो अब हम केक की आइसिंग शुरू करते हैं। तो आइए हम व्हिपिंग क्रीम बनाते हैं। तो हमने व्हिपिंग क्रीम को डिफ्रीजर में रख दिया था। तो फिर हमें बाहर निकाल के रूम टेम्परेचर पे लाना है। तो अब हम इसे बीट कर लेते हैं। पहले हम स्लो में करेंगे, फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं। तो देखिए ये अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब हम अपने केक बेस पे शुगर सिरप लगाते हैं। केक मॉइस्ट रहता है। Thank you.
शॉपिंग बैग में क्रीम लगा के डेकोरेट करेंगे। चलिए अब हम इसकी आइसिंग करते हैं। आइसिंग पूरी कर ली है, तो अब हम इसमें अपना दूसरा बेस डालते हैं। हम इसकी पाइपिंग करते हैं। हम चॉकलेट ग्रास डालते हैं। कॉफी मोचा केक कैसा बना। तो बाय दोस्तों, हम मिलते हैं अगले।